हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट, RRB JEE रिक्रूटमेंट 2024 में बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुका है, जहाँ पे 12,000 वैकेंसीज के अपडेट किया गया है रेलवे की तरफ से। यहाँ पे बहुत बड़ी मौका यहाँ पे मिल सकता है आप लोगों को। तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है प्रोसेस, आप लोगों को सारे जानकारी दूंगा। RRB JEE की तरफ से इस बार की जो ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है उसी के बारे में बात करने वाला हो। RRB JEE रिक्रूटमेंट 2024 में 10th एंड 12th पास करने के बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। सैलरी की अगर बात किया जाए, 23,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा, जिसका लास्ट डेट दिया गया है 30 जनवरी 2024। ऑफिशियली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आया है, जिसमें आप लोगों को एक एक जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की अपडेट को। दोस्तों, RRB की तरफ से JEE के जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, उसमें 12,844 वैकेंसीज है। JEE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 29, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए 387, JEE के लिए 12,844, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल सुपरिनटेंडेंट के अंदर 227 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जाएगा 2024 में। 2024 के जनवरी मंथ के पहले ही जो है ये अपडेट किया गया है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है, अगर कोई भी कैंडिडेट अपडेट करना चाहते हैं RRB JEE के इस पोस्ट के लिए, तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो पहले ही तो कैंडिडेट को यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एप्लीकेशन करना चाहते तो आपको 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना होगा। फॉर जनरल OBC SC ST के लिए 250 रुपीज़, JEE के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो एप्लीकेशन के फ़ीस के साथ साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है कंप्यूटर साइंस में डिग्री पास और BCA, मतलब BSc इन कंप्यूटर साइंस, BCA और BTech, इस तीनों अगर कोर्स में कोई भी एक कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हो, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो एंड एप्लीकेशन कर सकते हो। तो ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद आता है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया शुड बी 18 to 33 ईयर्स। 18 से 33 ईयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड जूनियर इंजीनियरिंग के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एज रिलैक्शन भी मिलेगा, अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते एज रिलैक्शन भी मिलेगा एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो इसमें और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। RRB JEE के जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा, जो कि है 30 to 40,000। एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फेज़ 1 फेज़ 2 में हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्ज़ाम, इनको भी कंप्लीट करना होगा। सिलेबस आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए RRB के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनमें जाके आप लोग एप्लीकेशन आपका भेज सकते हो। और वहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट चाहिए है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको वहाँ पर एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.